हाँ तो भाई लोग, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया हो गए। तो भाई अभी बज रहे सुबह के 5:30, और उठने का कारण मेरे पीछे है। आपको जो ढंग से दिखाते हैं एक बार। ये देखो भाई, ये सुबह सुबह का व्यू देखो बस, मतलब क्या ही लाजवाब व्यू है। बस अभी उठे ही हैं और उठते से ही ये व्यू सामने, मजा ही आ गया भाई। तो भाई अभी अपन तैयार वगैरह हो गए पूरे, अब निकलेंगे घूमने फिरने। सबसे पहले टॉय ट्रेन पे जाएंगे, तो चलते दिखाता आपको टॉय ट्रेन के नज़ारे और घुमाते टॉय ट्रेन में। भाई ये देखो, अभी सबसे पहले पीस पगोड़ा आए हैं, एक बुद्धिस्ट टेम्पल है। ये देखो भाई, भाई देखो, ये है पीस पगोड़ा। और ये यहाँ से नीचे दिख नहीं रहा, खैर पेड़ बहुत सारे हैं। तो इधर भी देखो, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पे। और ये है बुद्धिस्ट टेम्पल पीस पगोड़ा। भाई ये यहाँ पे ऊपर लॉर्ड बुद्धा की ऐसी मूर्ति है, और यहाँ वुडन स्कल्पचर्स बने अलग अलग दोनों साइड, और ऊपर वो स्तंभ बना है। खैर, और बाकी यहाँ से ऊपर से व्यू देखो भाई, दार्जिलिंग भाई क्वीन ऑफ हिल्स इसी कारण से भाई, व्यू गजब है यहाँ पे। तो भाई अभी पीस पकौड़ा तो घूम लिए, अब जाएंगे जॉय ट्रेन, टॉय ट्रेन, जॉय राइड। तो चलते दिखाते आपको, घुमाते हैं। भाई ये दार्जिलिंग का पशुपतिनाथ मंदिर है, जो शायद बंद है अभी, तो बंद है अभी तो ये, पर ये दार्जिलिंग का पशुपतिनाथ मंदिर है। शायद पीछे से रास्ता है, चलते अपन। ये देखो भाई, ये है पशुपतिनाथ का मंदिर, जो बंद है अभी फिलहाल में, तो शायद यहाँ भी गेट वगैरह लगे हुए हैं। पीछे ये नंदी जी हैं और गेट लगा हुआ है। ये देखो भाई, थोड़ा नेपाली स्टाइल में बना हुआ है पशुपतिनाथ जी का मंदिर। ऐसा कुछ है, यहाँ पे घंटा लगा हुआ है, ये कुछ शेर टाइप बना रहे हैं। बस यही था ये यहाँ का पशुपतिनाथ टेम्पल। फिर वहाँ ऊपर वो है जॉय राइड, वहाँ चलते हैं आपको घुमाते हैं। तो भाई अपन रेलवे स्टेशन तो आ गए, पर ट्रेन में अभी थोड़ा टाइम है तो रुके हुए हैं। बाकी पीछे व्यू देखो मेरे, सॉलिड व्यू है। और रेलवे स्टेशन पे वेट कर रहे हैं, यहाँ पीछे ये रेलवे स्टेशन है, यहाँ आई लव दार्जिलिंग लिखा हुआ है, ये रेलवे स्टेशन है। तो वेट करते हैं, ट्रेन आती है तो दिखाते हैं। वही है, ट्रेन आ गई अपनी, चलते हैं, बैठते हैं अंदर। भाई ट्रेन में बैठ चुके हैं, ट्रेन निकल चली है। ट्रेन का फर्स्ट स्टॉप है पतासिया लूप है, ऐसे नॉर्मल गार्डन टाइप है, लूप सर्कुलर गार्डन है, तो दिखाते हैं। ये है बतासिया लूप के बीच का स्तंभ लगा हुआ है यहाँ पे भी, और ऐसा कुछ व्यू है यहाँ से। रुको तुमको व्यू दिखाते हैं ढंग से। ये देखो भाई यहाँ का व्यू देखो, सॉलिड व्यू है भाई। और ये पीछे बतासिया लूप, यहाँ इतना कुछ खास और दिखाने का है नहीं, बस ये व्यू है। और 15 मिनट का स्टॉप है ट्रेन का, फिर चलते हैं ट्रेन से वापस आगे। भाई अभी ये टॉय ट्रेन है, ये घूम म्यूजियम के उधर उतरी है, रेलवे म्यूजियम है ये, इतना सा ही है, तो उतरने की तो इच्छा नहीं, इसलिए यहीं खड़े हैं और यहीं से थोड़ा बहुत एक क्लिप दिखा दे आपको सोचा। तो ये रेल म्यूजियम है यहाँ पे छोटा सा घूम का।
जो दार्जिलिंग के थोड़ा सा पास में ही है। अब यहाँ से वापस दार्जिलिंग जाएगी अपनी ट्रेन। हाँ तो भाई ट्रेन राइड तो ख़त्म हो गई है, अब इसके बाद थोड़ी अच्छी जगह जाने वाले एक और बढ़िया। अभी खाना वाना खा के फिर निकलेंगे और चलेंगे तो दिखाएंगे आपको। तो भाई अपन रॉक गार्डन आ गए हैं, यहाँ से स्टार्ट है। ये पहला वाटरफॉल है और अभी तो बहुत आगे जाना है, अभी बहुत कुछ है। अभी तो पहला वाटरफॉल आया है, वो वाटरफॉल नीचे था, हम एक फ्लोर ऊपर आ गए। तो देखो यहाँ से वो वाटरफॉल जा रहा था, एक फ्लोर ऊपर आ गए। यहाँ पे एक वाटरफॉल और है इतना बड़ा, फिर बहुत चढ़ाई है ऊपर, इधर उधर जाके है, तो देखते हैं और क्या क्या है। ये रॉक गार्डन के नाम पे बस पहाड़ों पे चढ़ाई करा रहे हैं। यहाँ पे पीछे देखो पूरी चढ़ाई चढ़ाई है ऊपर, और कुछ नहीं है। बाकी वाटरफॉल वगैरह दिख रहे तो अच्छा दिख रहा है, इसलिए चढ़ रहे हैं। अब चलते दिखाते आपको और। तो आइए यहाँ ऊपर से वाटरफॉल आ रहा है वहाँ, और ऊपर चढ़ते जाओ, बस चढ़ते जाओ। सिर्फ एक मेन वाटरफॉल का ऊपर से देखने को, तो देखते कितना ऊपर जाएंगे। तो भाई अभी ऊपर तो हम बहुत आ गए हैं, अभी शायद देखते ऊपर और क्या है, और ऊपर जाने का। भाई यहाँ पे एक वाटरफॉल और है जो नीचे ही जा रहा है, देखते ऊपर चल के और क्या क्या है। तो भाई यहाँ ऊपर तक तो आ गए अपन, ये सबसे टॉप वाला वाटरफॉल है जहाँ से सब नीचे तक जा रहा है। और ये देखो नीचे, भाई वहाँ नीचे थे अपन कहीं, वहाँ से यहाँ ऊपर तक आ गए। अब यहाँ से भाई ये और ऊपर जा रहा रास्ता बहुत, तो अब और ऊपर जाने की तो इच्छा नहीं है। तो ये वाटरफॉल है यहाँ पे, इसके साथ थोड़े फ़ोटोज़ वगैरह खिंचा के फिर चल देंगे नीचे अपन। भाई यहाँ ऊपर आ गए वाटरफॉल जो लास्ट स्टार्टिंग था, थोड़ा सा ऊपर आ गए यहाँ फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाने के लिए बढ़िया। और ये अपना इसका रॉक गार्डन का तो लास्ट डेस्टिनेशन है, इसके और ऊपर जा नहीं रहे अपन, तो इसके बाद अभी कहाँ जाते हैं देखते हैं, और चलते तो आपको भी दिखाते हैं। भाई वो बतासिया रॉक है ना, वहाँ से हम नीचे आए, तो यहाँ पे एक ये वाटरफॉल वो नीचे यहाँ आ रहा है, और यहाँ से यहाँ नीचे जा रहा है, बहुत नीचे जा रहा है। अब कहाँ जा रहा है उतना तो पता नहीं, वहाँ भी नीचे जाने का रास्ता है, देखते अगर जाएंगे तो दिखाएंगे, इसे तो शायद नहीं जाएं। बाकी इधर ये एक लोटस है बीच में, और उसके आसपास पानी भरा हुआ है। बाकी सोचा दिखा दे ये भी थोड़ा बहुत आपको, अब बतासिया रॉक में ये भी आस पास में ही था तो दिखा दिया। बाकी देखते अगर वहाँ से नीचे जाएंगे और, तो नीचे का भी दिखाते क्या है क्या नहीं है। वही यहाँ से नीचे तो बस वो वहाँ पे वो झरना और ख़त्म हो रहा है, वही है, उसके नीचे तो और कुछ नहीं है, तो नीचे तो नहीं जा रहा, यही है। ये देखो भाई वो कमल का फूल ऐसा कुछ है, और यहाँ से वो वाले वाटरफॉल आ रहे हैं। ऊपर जाते वक्त चढ़ाई चढ़ेंगे, खड़ी खड़ी तो नहीं पर हाँ अच्छी चढ़ाई है। ये देखो और नीचे खतरनाक धूप हो गई भाई, भाई कल मॉल रोड आए थे पूरी घूमे नहीं थे, तो आज फिर से आ गए, अब पूरी आगे तक घूमेंगे, तो आगे चल के दिखाएंगे आपको। तो भाई कल यहीं तक आए थे हम, फिर वापस चले गए थे, अब इसके और आगे जाएंगे और कुछ अच्छा दिखेगा तो दिखाएंगे आपको। आगे आके भाई मनाली का मॉल रोड जैसा है, बस उसी से सिमिलर है, वैसा ही कुछ मॉल रोड है, शॉप से दोनों साइड, और थोड़ी खाने पीने की चीज़ें। अभी आगे और जा रहे हैं, देखते और कुछ हो तो। ये मॉल रोड स्क्वायर है, यहाँ पे ये फाउंटेन है बीच में, हॉर्स राइड वगैरह की चीज़ें हैं, और बस बाकी और कुछ नहीं है, वही खाने पीने की चीज़ें और दुकानें हैं,
और इधर ये ऐसा फाउंटेन है, वो देखो भाई उधर है। जैसे ये हॉर्स वगैरह है राइडिंग के लिए, और हाँ सामने स्टेज है, कुछ नेपाली या चाइनीज थीम का स्टेज दिख रहा है वो सामने, वो वाला स्टेज, बाकी बीच में किसी की स्टैचू है, और यहाँ बहुत सारे ऐसे हॉर्स वगैरह है राइड वाइड करने के लिए। बाकी ऐसा पूरा ये बीच का मॉल रोड का सर्कल है, वहाँ फाउंटेन है और दुकानें वगैरह है बहुत सारी। यहाँ पे मॉल मार्केट है, तो ये पतली गली एक नीचे जा रही है कुछ, मतलब वहाँ नीचे छोटे छोटे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए बहुत सारे हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। हाँ ऐसे स्प्रिंग मार्केट टाइप्स नहीं लगते, फ्लिया उस टाइप का है अंदर, देखो शायद ही जाएंगे यहाँ अंदर तो इतनी भीड़ में, देखते हैं। देखो भाई अंदर आके ऐसा कुछ है ये मार्केट पूरा, ये मॉल मार्केट है भाई, ऐसा बहुत आगे तक है, पूरा तो क्या दिखाऊंगा, इतना ही दिखा देता हूँ। तो भाई अभी एक रेस्टोरेंट पे आ गए खाने पीने, फिर यहाँ से खा पी के आराम से थोड़ा घर निकल जाएंगे। और यार रेस्टोरेंट से पूरा नीचे मॉल रोड दिख रहा है, और पहाड़ वहाड़ भी थोड़े बहुत दिख रहे हैं, आपको भी दिखाता हूँ। देखो ये भाई यहाँ मॉल रोड दिख रही है, ऊपर वो पहाड़ दिख रहा है, बस खाते हैं फिर घर जाते हैं।